चाहे कितना भी पुराना बवासीर हो, इस पौधे के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगा। जोड़ों का दर्द हो, दांत खाज खुजली हो, या फंगल इन्फेक्शन हो, या लीवर संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो, सभी बीमारियों की कारगर जड़ी बूटी ही ये वनस्पति। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल 100% होम सॉल्यूशन टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने इस पौधे को अवश्य ही देखा होगा, लेकिन इसकी पहचान आपके पास शायद नहीं होगी। कुकुरुंधा का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा, तो यही है कुकुरुंधा का पौधा, ध्यान से पहचान लीजिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कई वनस्पतियों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन इसकी पहचान हमारे पास नहीं होती। तो दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है कि सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान करके इसके गुण और फायदे आपके समक्ष रखा जाए, हमारे देश में होने वाले बेहतरीन पेड़ पौधों की जानकारी आप तक पहुंचाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल घंटा दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मोटिवेशन बढ़ने से ऐसे नए नए वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ता है। तो दोस्तों, पहचान लीजिए, जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये कुकुरुंधा का पौधा है। इसकी सही पहचान है कि ये जब छोटा होता है तो इसके पत्ते मूली के समान होते हैं और इसके पत्तों में से अजवाइन जैसी खुशबू होती है। ये पौधा खुशबूदार होता है। इसके बीच में से एक डंडी निकलती है और इस पर हल्के पीले रंग के पुष्प लगते हैं। दोस्तों, ये पौधा बहुत सारी मात्रा में पूरे देश में होता है, चाहे तालाब का किनारा हो, नदी का किनारा हो, या सड़क का किनारा, जहाँ पानी भरा रहता हो वहाँ ये पौधा खूब होता है। गर्मियों के मौसम में ये सूख जाता है। इसका अंग्रेजी नाम है ब्लूमिया और वैज्ञानिक नाम है ब्लूमिया लेसेरा। इस पौधे का संस्कृत नाम है सूक्ष्मपत्र और कुकुंदर, हिंदी में कुकुरुंधा, कुकुरवंदा और कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसकी पत्तियों में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और ये बवासीर की सबसे कारगर जड़ी बूटी माना जाता है। ये पौधा पेट की हर प्रकार की गड़बड़ी को दूर करता है। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने में कुकुरुंधा बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की हम बात करें तो ये पौधा थोड़ा कड़वा, तीखा, गर्म प्रकृति का, पचने में हल्का और कफ को मिटाने वाला होता है। ये बुखार मिटाता है, मुँह के रोगों को दूर करता है और खून को शुद्ध करता है, खून साफ करता है। ये पौधा आँखों की रोशनी बढ़ाता है, पाचन शक्ति मजबूत बनाता है और पेट की कृमि को दूर करता है। इसमें स्तंभक गुण होता है जो खून के बहाव को रोकता है। ये किडनी और लीवर की सबसे रामबाण जड़ी बूटी है, क्योंकि इसके पत्तों का तथा इसकी सब्जी का इस्तेमाल करने से पेशाब खुलकर आता है और पेशाब संबंधी परेशानियाँ दूर होती है तथा किडनी साफ होती है, क्लीन होती है। यही नहीं दोस्तों, ये लीवर को मजबूत बनाता है। लीवर संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो, कुकुरुंधा का इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी ही आपको फायदा महसूस होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुकुरुंधा का उपयोग किन किन बीमारियों में कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। आँखों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, कुकुरुंधा का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आँखों में फूली हो, आँखों में झाला हो, या कम दिखाई देता हो। तो इसके लिए कुकुरुंधा के ताजे पत्तों का रस निकालकर फिटकड़ी को उसमें मिलाए पीसकर उसका अंजन आँखों में करें। कुछ दिनों तक लगातार इसका अंजन करने से आँखों से संबंधित कई प्रकार की बीमारी ठीक होती है। अगर किसी व्यक्ति का मुंह सूख जाता है तो इसके लिए कुकुरुंधा की जड़ों को साफ करके चबाए। अगर किसी महिला के स्तनों पर सूजन आ गई हो तो कुकुरुंधा के पत्तों को लाए, कूटकर इसका रस निकाले और उस रस में जौ का आटा मिलाकर एक लेप तैयार करें और उस लेप को रोजाना स्तनों पर लगाते रहे। कुछ ही दिनों में स्तन की सूजन उतर जाएगी। दोस्तों, लीवर के लिए तो ये जड़ी बूटी बहुत ही रामबाण है। लीवर की हर प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए कुकुरुंधा बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद जड़ी बूटी है। इसके लिए कुकुरुंधा के पूरे पौधे को उखाड़ कर ले आए, साफ पानी से धोकर पत्थर की खरल में अच्छी तरह से पीसे।
इस पौधे की अच्छी तरह से लुगदी बनाएं और इसकी छोटी छोटी लगभग 250 मिलीग्राम की गोलियां बनाएं और इस गोली को सुबह शाम रोजाना ग्वार पाठे के रस के साथ पिए। सभी प्रकार के लीवर संबंधी रोगों का खात्मा होगा और लीवर मजबूत बनेगा। पेशाब संबंधी चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, रुक रुक कर पेशाब आता हो या पेशाब में जलन हो रही हो, तो इसके लिए कुकुरुंधा के ताजे पत्तों का रस निकाल कर सुबह शाम इस्तेमाल करें। बहुत जल्द ही पेशाब संबंधी समस्या दूर होगी। कुकुरुंधा के पत्तों में वात सांब का गुण होता है। इसके पत्तों को पीसकर गुनगुना करके संधि स्थान पर लगाने से जोड़ों में होने वाला दर्द मिटता है, सूजन मिटती है और चलने फिरने में हो रही दिक्कत दूर होती है। दोस्तों, ये पेट की सभी प्रकार की समस्या को दूर करने की कारगर जड़ी बूटी है। बार बार कब्ज बना रहता हो, पेट में गड़बड़ी बनी रहती हो या पेट का हाजमा ठीक न रहता हो, तो इसके लिए कुकुरुंधा के पत्तों की सब्जी बनाकर रोजाना सेवन करें। अगर पेट में आंतों में कीड़े पड़ गए हो तो कुकुरुंधा के ताजे पत्तों का रस निकालकर 5 ml की मात्रा में सुबह शाम पिए। इस प्रयोग से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अगर गर्मी के कारण या गलत खान पान की वजह से किसी को दस्त हो गया हो तो कुकुरुंधा के ताजे पत्तों का रस निकाले 10 से 15 ml की मात्रा में और इसमें 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम पिए। बहुत जल्द ही दस्त मिटता है। दोस्तों, ये कुकुरुंधा जो है ना, ये पुराने से पुराने संग्रहणी रोग को भी ठीक करता है। इसके लिए कुकुरुंधा के पत्तों का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दही के साथ या मट्ठे के साथ सेवन करें। अगर छोटे बच्चों की गुदा में कृमि हो गई हो, जिसे चुन्नी रोग कहते हैं, तो इसमें कुकुरुंधा के पत्तों का ताजा रस निकाल कर गुदा में लगाते रहे, इससे चुन्ना रोग खत्म होता है। दोस्तों, कुकुरुंधा जो है ना, ये बवासीर की सबसे कारगर और रामबाण जड़ी बूटी है। सदियों से इसका उपयोग बवासीर को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके लिए कुकुरुंधा के पत्तों की सब्जी बनाकर सेवन करें। इसके अलावा इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर जब 1/4 शेष रहे तब उतार कर छान कर सुबह शाम इस काढ़े का इस्तेमाल करें। इसका दूसरा प्रयोग है कि इसकी पत्तियों को लाए पानी से साफ कर कुट पीच कर कपड़े से छान कर रस निकाले। उस रस में रसौद भिगो दे। रसौद जब पूरी तरह से घुल जाए तब धीमी आंच पर पकाए। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर अपने पास सुरक्षित रख ले। 1 से 2 गोली पानी के साथ सुबह शाम सेवन करें। इससे बवासीर जल्दी ही ठीक होता है। अगर खूनी बवासीर हो तो कुकुरुंधा के ताजे पत्तों का रस 10 ml की मात्रा में ले और इसमें काली मिर्च का चूर्ण 0.5 ग्राम की मात्रा में मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। कुछ ही दिनों में खूनी बवासीर मिटता है। इसके अलावा कुकुरुंधा के पत्तों को पीसकर अर्श के मस्सों पर लगाने से मस्से बैठ जाते हैं। कुकुरुंधा की पत्तियाँ एंटीसेप्टिक होती है। अगर किसी भी प्रकार का घाव लग गया हो और वो ठीक न हो रहा हो तो इसके पत्तों को पीसकर रोजाना उस स्थान पर लगाते रहे, जल्दी ही न भरने वाले घाव ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार का त्वचा संबंधित संक्रमण हो, फंगल इन्फेक्शन हो, तो इसके लिए कुकुरुंधा के पत्तों का रस निकाले और समान मात्रा में शहद मिलाकर उस स्थान पर रोजाना लगाते रहे। बहुत जल्दी ही त्वचा विकारों का शमन होता है। अगर शरीर के किसी भी हिस्से पर फोड़े फुंसी हो गए हो तो सफ़ेद खजूर को लाए, कुकुरुंधा के पत्तों के रस के साथ मिलाकर एक लेप तैयार करें और प्रभावित स्थान पर रोजाना लगाते रहे। बहुत जल्द ही फोड़े फुंसी मिट जाते हैं। अगर कुष्ठ रोग हो तो कुकुरुंधा के पत्तों के रस के साथ समान मात्रा में मूली के बीज मिलाकर पीस कर रोजाना लगाए। बहुत जल्द ही कुष्ठ का शमन होता है। दोस्तों, इस पौधे में स्तंभक गुण होता है। चाहे किसी भी प्रकार का रक्तस्राव हो, चाहे बवासीर में खून आ रहा हो, नक्सिर से खून आ रहा हो या महिलाओं में होने वाले अधिक ब्लीडिंग की समस्या हो, तो इसके लिए कुकुरुंधा के ताजे पत्तों का रस निकालकर 10 ml की मात्रा में ले और समान मात्रा में शहद मिलाकर सुबह शाम पिलाए। बहुत जल्द ही आराम मिलेगा। दोस्तों, मौसम बदलने के साथ ही कुछ लोगों को खांसी, जुकाम और सिर दर्द की समस्या हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कुकुरुंधा के पत्तों को लाए पानी में उबालकर 1/4 जब पानी शेष रहे तब इसको सुबह शाम सेवन करें। बहुत जल्द ही सभी समस्या से छुटकारा मिलता है। समय से पहले ही जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो गए हो तो इसके लिए कुकुरुंधा के पत्तों को लाकर पानी में उबालकर काढ़ा बनाए। काढ़ा जब 1/4 शेष रहे तब छान कर उससे रोजाना बालों को धोए।
इससे समय से पहले सफ़ेद हुए बाल काले बन जाते हैं, बालों की रंगत बदल जाती है।